तो तुम लोग ने ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कूल कैप्शन देखे होंगे जो कि बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही मज़ेदार रहते हैं, जो कि उसमें ग्लो भी रहता है और बहुत ज़्यादा स्पीड अप रहता है। तो आज की इस वीडियो में तुमको कूल कैप्शन बनाना सिखाऊंगा प्रीमियर प्रो से, कैसे तुम बहुत ही कम समय में अच्छा से अच्छा कैप्शन बना सकते हो। तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर इस ट्रिक को सीख जाते हो तुम, तो तुम्हें आराम से आधा या 1 मिनट लगेगा कैप्शन जनरेट करने में पूरी वीडियो का, ठीक है? तो कैसे करना है चलो मैं बताता हूँ। तो अगर तुम चैनल पर पहली बार हो तो बट ग्रो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे तुम्हें आगे एडिटिंग कंटेंट मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑडियो इनपुट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कोई अपना क्लाइंट का काम यहाँ नहीं दिखा सकता। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक मैंने ऑडियो बनाया है, तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और साथ ही मैं एक बैकग्राउंड भी ले लेते हैं हम, जिससे हमें अपना जो कैप्शन है वो अच्छे से विजिबल दिखाई दे कि तुमको आके क्या रिजल्ट मिलेगा अगर इस ट्रिक को तुम यूज़ करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास सी टाइप में पड़ा है बैकग्राउंड का पैक, तो ऑल मटेरियल वीजी ओवरले मोशन स्टॉप एंड देन जे, ठीक है? ओके, यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लिया। इसको थोड़ा हम स्केल अप कर देंगे, देन यहाँ पे हम जाएंगे इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है? तो एक बार तुम ऑडियो सुन लो कैसा Hello, I है। am Bart Grow, and this is my YouTube channel. Please subscribe more editing content. तो ये एक सैम्पल के लिए मैंने रखा है, तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारी वीडियो इंग्लिश में पूरी तो बहुत आराम से तुम कैप्शन जनरेट कर लोगे, और अगर तुम्हारी वीडियो हिंदी में है तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, उसको कैसे फिक्स करना है वो मैं तुमको आगे बताता हूँ, ठीक है? उसकी चिंता मत करो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, तो तुम्हें विंडो पे जाना है और यहाँ पे तुम नीचे एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो ये वाला टैब तुम्हें ओपन मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें ट्रांसक्रिप्ट है ना, इस वाले ऑप्शन पे आना है और ट्रांसक्रिप्ट कर देना है बटन पे क्लिक, ठीक है? ट्रांसक्रिप्ट बटन पे क्लिक कर देना, जिससे तुम्हारा जो कैप्शन है मतलब जो तुम्हारा पैराग्राफ है वो आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें कैप्शन क्रिएट कैप्शन डबल सी एक आइकॉन दिख रहा होगा, तो वहाँ पे क्लिक कर देना सिंपली। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा तुम दिमाग लगा लेना अपने हिसाब से, अगर तुम स्पीड अप वाला बनाना चाहते हो कि एक एक वर्ड जल्दी जल्दी आता जाए, तो तुम्हें यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ इन कैरेक्टर इसको बिल्कुल लो कर देना है, ठीक है? उसके बाद मिनिमम ड्यूरेशन इन सेकेंड इसको भी बिल्कुल लो कर देना है, उसके बाद गैप बिटवीन इसको भी लो ही रखना और लाइन सिंगल, ठीक है? और अगर तुम अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, लेंथ कितना चाहिए, कितना आपको हर एक कैप्शन का ड्यूरेशन चाहिए टाइम का, वो सारा तुम अपने हिसाब से मैनेज करना। मैं यहाँ पे स्पीड अप वाला बना रहा हूँ कैप्शन, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए, बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट रहता है उसमें, इस वजह से उसको ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करना है, क्रिएट कैप्शन पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे हमारे कैप्शन जनरेट हो गए। अब इनको हमें थोड़ा स्टाइल देना पड़ेगा, अब तुम हेलो, देख आई एम सकते हो बॉ यहाँ पे कैप्शन कैप्शन जो है वो नीचे आ रहा है, तो इसको हमें स्टाइल देना होगा। तो सभी कैप्शन जो जनरेट हुए उनको सेलेक्ट करो, इसेंशियल ग्राफिक्स वाले टैब को ओपन कर लो। इसके बाद तुमको क्या करना है कि इसको सबसे पहले सेंटर लेके आ जाना है, सेंटर लेके आने के बाद इसको अपना साइज दे देता हूँ, तो मैं 60 रख रहा हूँ अभी। उसके बाद अपना मनपसंद फॉन्ट ले लो। मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ, जब भी तुम कैप्शन जनरेट करते हो तो या तो बोल्ट लो या फिर कुछ इस टाइप से जैसे पॉपिंस होते हैं उस टाइप से फॉन्ट लो जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं सेमी बोल्ट ले रहा हूँ, वो क्यों ले रहा हूँ मैं बताता हूँ आगे। यहाँ पे स्ट्रोक रख लेंगे अपन, तो स्ट्रोक नहीं रखेंगे क्योंकि स्ट्रोक जब रखी जाती है जब आपका बैकग्राउंड में ब्राइटनेस बहुत हो, एक्सपोजर बहुत हो, मतलब जब रखी जाती है अपनी स्ट्रोक, क्योंकि उसमें अपन को अपना कैप्शन विजिबल कराना होता है। तो अभी हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे अगर इसको शेडो दे देते हैं 10 और एंगल सही है। उसके बाद तुमको क्या करना है, सिंपली इसको मैं स्केल थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे तुम देखोगे तुम कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब मैं क्या करूँगा, जो मेन मेन पार्ट है उनको मैं पॉइंट आउट करके उसको बोल्ड कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे YouTube पे इसको मैं क्या करूँगा, बोल्ड कर दूंगा और इसमें कलर में डाल दूंगा रेड, इसको और बोल्ड करेंगे एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है? उसके बाद सब्सक्राइब वाला बटन है यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल्ड, इसको जो भी तुम्हारा स्पेसिफिक वर्ड को हाईलाइट करना है उसमें दिखाना, उसको सिलेक्ट करो, उसका कलर चेंज करो। और यहाँ पे एडिटिंग, ठीक है?
ए वी वर्ड मेरे को अच्छा लग रहा है, तो इसको भी मैं कर दूंगा एक्स्ट्रा बोल्ड, और इसका कलर रखूंगा येलो। तुम इन तीन कलर का ज़्यादातर यूज़ किया करो, येलो मतलब थोड़ा येलो और ऑरेंज, उसके बाद ग्रीन और रेड, ठीक है, बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। इसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको सारे कैप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आता है मेन पार्ट, यहाँ पे तुम्हारे कैप्शन जनरेट हो गए हैं, अब तुम इनमें अपना ट्रांजिक्शन या इफेक्ट डालना है। तो तुम अगर किसी प्रीसेट से निकालते हो तो वहाँ से भी निकाल सकते हो, वरना पॉपअप वाला जो इफेक्ट है वो तुम आराम से डाल सकते हो। तुम सारे इफेक्ट मतलब सारे कैप्शन को सिलेक्ट करके इसको अपग्रेड अपग्रेड कैप्शन टू ग्राफिक्स कर देना है। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें किसी एक कैप्शन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इफेक्ट कंट्रोल पे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट पैनल पे जाना है और यहाँ पे करना है ट्रांसफॉर्म सर्च, ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो। उसके बाद इसकी स्केल प्रॉपर्टी में जाकर इसको 0 कर दो, और यहाँ पे 1 सेकेंड आगे जाकर इसको 110, और फिर 1 सेकेंड इसको 90, इसको 1 और सेकेंड इसको 100, ठीक है। इतना करने के बाद इनको कर दो ईजी इन। ईजी इन करने के बाद क्या करो, इस वाले इफेक्ट को कर लो कॉपी, कॉपी करके बाकियों पे इनको पेस्ट कर दो, ये फर्स्ट वाला छोड़ कर इन सब पे पेस्ट कर दो। तो अब तुमको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस Hello, टाइप I am से। Bart Grow, and this is my YouTube channel. Please subscribe more editing content. ठीक है, तो तुमको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, और बाकी तुम प्रीसेट वगैरह डाउनलोड करके भी इफेक्ट डाल सकते हो। तो देखो अब अपना सारा कुछ कंप्लीट हो गया, अब बस लास्ट चीज़ बची है इसमें ग्लो डालना, और अपना कैप्शन रेडी है। तो अब ग्लो डालने के पास मतलब सॉरी ग्लो डालने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक है बी आर ग्लो और एक है अपना गॉशियन ब्लर, ठीक है। तो बी आर ग्लो से भी तुम डाल सकते हो। बाकी एक और तरीका जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, क्यों उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और वी आर ग्लो में थोड़ा मुझे अजीब लगता है, तो तुम्हें क्या करना है, सारे कैप्शन को एक नेस्ट में कर देना है, मतलब ग्रुप कर देना है। उसके बाद एक इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, इफेक्ट पैनल में आना है और तुमको करना है गॉशियन ब्लर सर्च, ठीक है। इसको फर्स्ट वाली लेयर पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, इफेक्ट कंट्रोल में जाके इसको 100 कर दो, इसका ब्लेंड मोड में जाके इसको लीनियर एंड डॉच कर दो, और देन उसके बाद इसकी अपोजिटी 30 कर दो। तो अब तुम्हें कुछ इस टाइप का ग्लो देखने को मिलेगा। Hello, I am Bart Grow, and this is my YouTube channel. Please subscribe more editing content. तो तुम्हारा कूल एंड ट्रेंडिंग कैप्शन रेडी है। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यार एक कल बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी जो कि मैं कम्युनिटी में डाल चुका हूँ, कम्युनिटी टैब में, तो यहाँ जाकर तुम देख सकते हो। यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं और वीडियो पे भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा। और बाकी तुम चाहते हो किसी वीडियो को ब्रेक डाउन कराना, तो तुम सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज डाल सकते हो और वहाँ पे मेरे को उस वीडियो का लिंक दे देना, तो मैं उस वीडियो का ब्रेक डाउन कर दूंगा एडिटिंग, कि आखिर वो वीडियो कैसे एडिट हुई है अगर वो मुझसे बनती है। तो मेक श्योर मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब नीचे बटन पर क्लिक कर दो यार, ठीक है।